हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है जी साडे YouTube चैनल हरीका जॉब अलर्ट ते। दोस्तों, जेकर तुसी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन दबा लो हर नवी अपडेट दे लई। ते दोस्तों, अज दा जॉब नोटिफिकेशन तुहाडे लई लैके आया जी पटियाला मनरेगा वल्लों। ते पटियाला मनरेगा दे विच वख-वख पोस्टां दे लई भर्ती कीती जाणी है। ते किहड़ियां-किहड़ियां पोस्टां, की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन-कौन अप्लाई कर सकदा, पूरी जानकारी तुहानूं इस वीडियो दे विच मिलेगी। वीडियो नूं एंड तक जरूर देखना। सब तो पहलां दोस्तों, पोस्ट है जी डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर दी, इक पोस्ट है। तो कैटेगरी वाइज नॉट एप्लीकेबल है, कोई भी कैटेगरी अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन के पोस्ट ग्रेजुएशन होने चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स तुहाडे कोल होने चाहिए ने। तो जेकर तुहाडे कोल फरदर एक्सपीरियंस होगा, तुहानू प्रेफरेंस दी जाएगी। वैसे विदाउट एक्सपीरियंस भी तुसी अप्लाई कर सकते हो। 21,000 रुपया सैलरी तुहानू मिलेगी पर मंथ। डायरैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा सारिया पोस्टा जी तुहाडा गवर्नमेंट के नाल। तो इस तों अलावा दोस्तों, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर APO की पोस्ट है, ये एक पोस्ट है। तो बाल्मीकि मजहबी सिख कैटेगरी के लिए रिजर्व है। तो ग्रैजुएशन या पोस्ट ग्रैजुएशन तुसी कीती होवे, कंप्यूटर स्किल्स तुहाडे कोल होने चाहिए ने। तो एक्सपीरियंस वाले नूं प्रेफरेंस दी जाएगी, 20,000 रुपया सैलरी तुहानूं मिलनी है। तो इस तों अलावा दोस्तों, एक्सपीरियंस है जिहड़ा तुहाडा लगभग सरकारी अदारे का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या किसी अर्ध सरकारी अदारे का, या किसी ऑटोनोमस बॉडी का। ठीक है, प्राइवेट एक्सपीरियंस नूं इहदे विच काउंट नहीं किया जाता। उस तों बाद दोस्तों, टैक्नीकल असिस्टेंट दीआं 25 वैकेंसियां। तो टैक्नीकल असिस्टेंट के लिए सब तो पहले क्वालिफिकेशन नोट कर लो, डिग्री या डिप्लोमा तुसीं कीता होवे सिविल इंजीनियरिंग दे विच, ते प्रोफिशिएंसी तुहाडी कंप्यूटर स्किल्स दे विच होनी चाहिए है, भाव कि तुहानूं MS ऑफिस, MS एक्सल, डाटाबेस फंक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए है। फरदर आपां पोस्टां की गल करिए, तो जनरल दे लई इहदे विच 7 पोस्ट है। तो इहदे नाल साइड ते दित्ता कि वूमन कैटेगरी दे लई जिवें 2 पोस्टां रिजर्व है, भाव कि जिवें 33% रिजर्वेशन हुंदी है वूमन दे लई, तां उह तुसीं नाल नाल इधर देख लेनी है। तो बाल्मीकि मजहबी सिख लई 4 पोस्ट है, ESM एक्स सर्विसमैन दे लई 3 है जी। तो बाल्मीकि मजहबी सिख ESM एक, इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन EWS दे लई 3, SC स्पोर्ट्स दे लई 1, BC दे लई 3, तो BC ESM दे लई 1। उस तों बाद दोस्तों, PWD दे लई 2 है जी। PWD दे विच ब्लाइंड एंड लो विजन वाले दे लई 1 है, तो डीफ एंड हार्ड ऑफ हीयरिंग दे लई 1 है। तो टोटल 25 वैकेंसियां, 25 दे विचों 11 वैकेंसियां जिहड़ियां वूमन कैंडिडेट्स दे लई रिजर्व वैकेंसियां। ठीक है जी, तो ये 15,000 रुपया सैलरी मिलती है, तुहानू 900 रुपया TA मिलता, ट्रैवलिंग अलाउंस 1 महीने का। तो एक्सपीरियंस का मैं तुम्हें दस ही दिता कि ये तुम विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नैक्सट दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट के लिए एक पोस्ट है, तो कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल है। ये तुम्हें ग्रैजुएशन की हो, तो तुहानू कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीके, जिवें MS ऑफिस वगैरह, इंटरनेट वगैरह, तो बेसिक तुहाडे कोल प्रोग्रामिंग स्किल्स वगैरह भी होने चाहिए ने। 10,000 रुपया तुहानू सैलरी मिलती है। तो उस तों अलावा तुसीं टाइपिंग टैसट तुहानू होना, टाइपिंग स्पीड तुहाडी होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट की, पंजाबी ते इंग्लिश दे लई ऑफिस असिस्टेंट दे लई। उस तों बाद दोस्तों, अकाउंट्स मैनेजर की एक पोस्ट है, जी तुसीं MCOM या BCOM या CA की हो, विद 1 ईयर एक्सपीरियंस तुहाडे कोल होना चाहिए इन द रेलीवेंट फील्ड। तो प्रोफिशंसी तुहाडी कंप्यूटर दे विच होनी चाहिए है, स्किल्स लाइक टैली वगैरह की तुहानू नॉलेज होनी चाहिए है। 17,000 रुपया तुहानू सैलरी मिलनी है। तो उस तों बाद दोस्तों, ग्राम रुजगार सहायक दी 14 पोस्ट हैं। तो ये +2 पास होने चाहिए, तुहानू डाटा एंट्री स्किल्स होने चाहिए ने, कोई तुहाडा टाइपिंग टैसट वगैरह नहीं हुंदा ग्राम रुजगार सहायक दे लई, केवल तुसी +2 पास बेसिस ते अप्लाई कर सकते हो। तो इस दे विच दोस्तों, 8,500 रुपये तुहानू सैलरी मिलती है, 900 रुपये TA मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। तो 14 पोस्टां दे विचों गल करिए, 7 पोस्टां जनरल दे लई आ, बाल्मीकि मजहबी कैटेगरी दे लई 2 पोस्ट है, ESM LD ESM दे लई 2 है, बाल्मीकि मजहबी ESM दे लई 1 है, EWS 1 है, तो फ्रीडम फाइटर दे लई 1 है। तो 14 पोस्टां टोटल है ग्राम रुजगार सहायक दी, जिहदे विचों 3 पोस्टां जिहड़ियां वूमन कैंडिडेट्स दे लई रिजर्व है। तो उस तों बाद दोस्तों, SC वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते, बेशक इत्थे रिजर्व पोस्ट नहीं है, बट उन्हां नूं जनरल की सीट मिल सकती है जेकर उन्हां दी परसेंटेज जिहड़ी है वध आउंदी है। ठीक है जी, उस तों बाद दोस्तों, डाटा एंट्री ओपरेटर है, डाटा एंट्री ओपरेटर दे लई 4 पोस्ट है, 4 दे विचों SC अदर दे लई 1 है जी, बाल्मीकि मजहबी सिख 1 है, SC अदर तों भाव है रविदासिया कैटेगरी जो हुंदी है उहदे लई 1 पोस्ट है, ते ESM दे लई 1 है, EWS दे लई 1 है, 4 पोस्टां टोटल है डाटा एंट्री दे लई, 3 पोस्टां वूमेन दे लई रिजर्व है। 8,000 रुपया तुहानूं सैलरी मिलनी है। BA या BSc कीती होवे विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जेकर तुसीं BA कीती है तां तुहाडे कोल 1 साल दा कंप्यूटर एप्लीकेशन दा डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए, जां जेकर तुसीं BCA कीती है तां कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं हैगा। तो इस तों अलावा दोस्तों,
एक साल का एक्सपीरियंस हैगा तो चंगी गल है, नहीं हैगा तो विदाउट एक्सपीरियंस भी तुसी डाटा इंटरप्रेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस तो बाद दोस्तों ये एक चीज़ होर है कि जेकर वूमेन कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होंगे तो वो मेल कैंडिडेट के पोस्टा भरिया जाएंगी। अवेलेबिलिटी की गल है, जेकर किसी के परसेंटेज वगैरह घटती है या वूमेन कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो अगर कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए दो पोस्ट हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 11,000 रुपये तुम्हें सैलरी मिलनी है पर मंथ। ई एस एम के लिए ये एक रिजर्व है, पी डबल्यू डी ब्लाइंड एंड लो विजन के एक रिजर्व है, दो पोस्टा टोटल है। तो दोनों ही वूमेन के लिए रिजर्व पोस्टा है। तो बी सी ए ये तुम्हें बी सी ए या बी टैक या एम सी ए की हो तो गुड प्रोफिशंसी थोड़ी होनी चाहिए है, एम एस ऑफिस इंटरनेट के बेसिक प्रोग्रामिंग स्किल्स के। वन ईयर का एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, जेकर हैगा तो ठीक है, नहीं हैगा तो विदाउट एक्सपीरियंस भी तुम अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। तो सारिया के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से पोस्टा ने, कोई रेगूलर पोस्टा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सिलैक्शन क्राइटेरिया नोट कर लो, किदा तो सिलैक्शन होएगी। बेसिक क्वालिफिकेशन के तहत 70 मार्क्स लगनगे, भाव के जो भी थोड़ी परसेंटेज है आउट ऑफ 70 के मल्टीप्लाई होकर थोड़ी काउंट होएगी, ठीक है। तो इस तो बाद दोस्तों हायर क्वालिफिकेशन 10 मार्क्स है, जेकर तुहाडे कोल कोई डिग्री हायर की हुई है तो उहदे 5 मार्क्स मिलणगे। जेकर दो डिग्रियां कीतियां होईयां, अडिशनल डिग्री कोई होर हायर की हुई है तो 5 तुहाडे उहदे लगणगे, ठीक है जी। तो 10 मार्क्स इदां टोटल है जी हायर क्वालिफिकेशन दे। वर्क एक्सपीरियंस दे 10 मार्क्स है जी, 2 मार्क्स लगणगे तुहाडे एवरी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जेकर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस हैगा तो तुहाडे 2 साल 2 नंबर लगणगे 1 साल दे एक्सपीरियंस दे। भाव कि मान लो जेकर तुहाडे कोल 4 साल का एक्सपीरियंस है तो तुहाडे 8 मार्क्स लगनगे आउट ऑफ 10, ठीक है। तो वह 5 साल का तुहाडे कोल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जेकर तुहाडे कोल 10 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी तुहाडे 10 मार्क्स ही लगनगे मैक्सीम, तो 10 तो वध नहीं लग सकते। तो ये दस देव कि विदाउट एक्सपीरियंस भी तुम अप्लाई कर सकते हो, बस वह यह नुकसान है कि तुहाडे एक्सपीरियंस के मार्क्स काउंट नहीं होणगे जेकर तुहाडे कोल एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है जी। तो तुहाडे 10 नंबर का तुहाडा खेल खत्म हो जाएगा। उस तो बाद दोस्तों इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स ने। इंटरव्यू है जी जो भी बेसिक अवेयरनैस परसनैलिटी कम्युनीकेशन स्किल्स के आधार पर इंटरव्यू होंगी है, 10 मार्क्स है। तो टोटल तुम देख सकते हो 100 के विच तुहाडी मैरिट बनेगी, फाइनल मैरिट है जी। तो ये फरदर नोट करो, 10वीं के पंजाबी पास की हो सारिया पोस्टा के लिए, 18 to 37 तुहाडी एज लिमिट होनी चाहिए आ। तो ये हुण मैं तुहानू एक गल होर दस देव कि तुहाडी सहूलत दे लई तुसी ये पोस्टा जेकर साडे थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हो घर बैठे अप्लाई करवा सकते हो, सानू अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्हाट्सएप से सेंड करके, तो बिल्कुल मिनीम चार्जेस के उत्ते तुसी ये पोस्टा अप्लाई करवा सकते हो। दोस्तों साडा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के मैनशन किया गया, सानू व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये दोस्तों कोई भी फीस नहीं है, कोई ड्राफ्ट वगैरह नहीं कटवाना। ऑफलाइन भरनी है पोस्टा 26/4/21 तक तुहाडा फार्म उत्थे पहुँच जाना चाहिए शाम 5 बजे तक। ये तुम बाय पोस्ट या बाय हैंड जाके दे सकते हो। तो पहुँचना कितने चाहिए एड्रैस नोट कर लो, ऑफिस ऑफ द अडिशनल डिप्टी कमिश्नर डिवेलपमेंट, जिला परिषद कंपलैक्स, सरहंद रोड पटियाला, मनरेगा सैल, पिन कोड है जी 147001। तुहाडा इत्थे फार्म पहुँचना चाहिए 26/4/21 शाम 5 बजे तक, ठीक है जी। तो इस तो बाद दोस्तों कुछ होर फरदर नोटिफ जिहड़ियां दित्तियां गईयां ने, इंस्ट्रक्शन दित्तियां गईयां ने, तुसीं ध्यान नाल सारियां पढ़ लैनियां। इहदे विचों मेन मेन मैं तुहानूं दस दिंदा कि जिहड़ी इनिशियल मैरिट लिस्ट है इन्हां सारियां पोस्टां दी, डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर, APO, ऑफिस असिस्टेंट, GRS, DEO, TA ते अकाउंट्स मैनेजर दे लई, इन्हां दी बेसिक क्वालिफिकेशन ते हायर क्वालिफिकेशन ते एक्सपीरियंस, इहदे आधार ते इनिशियल मैरिट लिस्ट बनेगी। इनिशियल मैरिट लिस्ट जिहड़ी कैंडिडेट वाइज उह अपलोड होएगी वैबसाइट दे उत्ते। तो वह अपलोड होने तो बाद 10 गुणा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, जिन्हें भी पोस्टा मान लो 25 पोस्टा TA दियाँ तो 250 बंदा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा TA के लिए। तो इदा जी य रिक्रूटमेंट होनी है, फिर जी फाइनल मैरिट लिस्ट है, फिर इंटरव्यू के मार्क्स में काउंट होकर जी फाइनल मैरिट लिस्ट बननी है। तो ये जिन्ना पोस्टा के लिए प्रेजेंटेशन रखी गई है, भाव कि जिमें डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर, TA, APO प्रेजेंटेशन होनी है वर्क प्रोफाइल के हिसाब न, तो जिन्हों की जो भी जिमें ऑफिस असिस्टेंट वगैरह उन्होंने टाइपिंग टैसट होना है, ठीक है। तो टाइपिंग टैसट की भी तुम्हें तैयारी करके रखनी है। ऑफिस असिस्टेंट, DEO तो कंप्यूटर असिस्टेंट, इन्हों तिना पोस्टों के लिए टाइपिंग टैसट होना अंग्रेजी पंजाबी, ठीक है जी। तो फाइनल मैरिट लिस्ट का मैं तुम्हें दस ही दिता कि वैबसाइट वगैरह पर आ जानी है। तो इस तो अलावा कुछ नहीं पता लग रहा कमेंट सैक्शन कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बाकी जानकारी साढ़े नाल जुड़े रहो, बने रहो। तो यदा फार्म आ जिहड़ा तुम नीचे देख सकते हो, यदा फार्म इदा का फार्म आ, आई होप के तुहानू साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इदा का फार्म है, थोड़ा साफ नहीं है। तो यदा जेकर तुहानू
ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਾਫ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।